कांग्रेस में इन दिनों सारे वरिष्ठ नेता आपस में अध्यक्ष अध्यक्ष खेल रहे हैं, किसे नया अध्यक्ष चुने या किसे बनाएं। इस पहेली को अब तक सुलझाया नहीं जा सका है। श्री प्रकाश जायसवाल, अनिल शास्त्री, अभिजीत बनर्जी सहित कई नेता प्रियंका गांधी को अध्यक्ष बनाने की पैरवी कर रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह भी किसी युवा नेता को ही अध्यक्ष बनाने की कमान देने के पक्षधर हैं। जब पार्टी में खुलकर प्रियंका गांधी की चर्चा होने लगी तो कांग्रेस के गुट में खलबली मच गई। अहमद पटेल का गुट मुकुल वासनिक को अध्यक्ष बनाए जाने की बात करने लगा। हालांकि इसके पहले सुशील कुमार शिंदे, अशोक गहलोत, मीरा कुमार, कुमारी शैलजा जैसे नेताओं के नाम इसी गुट की तरफ से उछाले गए थे। फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट का नाम भी सामने आया। लेकिन जब बात प्रियंका गांधी की हुई तो राहुल गांधी के इस्तीफे का हवाला देकर अध्यक्ष के चुनाव की चर्चा होने लगी। राहुल गांधी ने अपने इस्तीफे में लिखा था कि कुछ नेताओं का समूह बनाया जाए और वही समूह नए अध्यक्ष का चुनाव करे, इसीलिए चुनाव के द्वारा नए अध्यक्ष के चुनाव की बात उठा दी गई। लेकिन यह हकीकत है कि जब भी कांग्रेस में अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ है, पार्टी दो फाड़ हो गई है। इससे पहले राजेश पायलट 1997 में सीताराम केसरी के खिलाफ और 2000 में जितेंद्र प्रसाद सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं। चुनाव के बाद जितेंद्र प्रसाद को पार्टी में अपमानित होना पड़ा था। इस बार अगर चुनाव होते हैं तो गांधी परिवार चुनाव से दूर रहेगा, ऐसा राहुल गांधी पहले ही साफ कर चुके हैं। और जब चुनाव होंगे तो कांग्रेस की सारी दरारें सामने आ जाएंगी, फिर पार्टी को एकजुट कर पाना किसी के लिए आसान नहीं होगा। माना जा रहा है कि अगर वर्किंग कमेटी नए अध्यक्ष के चुनाव की घोषणा करती है तो चुनाव 3 राज्यों हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा के चुनाव के बाद ही हो पाएगा। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस बिना अध्यक्ष के ही इन चुनावों में उतरेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। कर्नाटक की कहानी ने कमलनाथ को परेशान कर रखा है, क्योंकि उनकी हालत तो कुमारस्वामी से भी ज्यादा पतली है। एक तरफ विधानसभा का सत्र चल रहा है तो दूसरी तरफ कमलनाथ सरकार को अपने विधायकों की चिंता सताई जा रही है। इसी वजह से पिछले कुछ दिनों में ही उन्होंने विधायकों के साथ 3 बार बैठक कर डाली। कमलनाथ ने विधायकों के साथ पहली बार 7 जुलाई को बैठक की थी, इसके बाद 11 और अब 17 जुलाई को विधायकों को अपने आवास पर बुलाकर मिले। कमलनाथ की इस बेचैनी को कांग्रेस गलत नहीं मानती, लेकिन बीजेपी की तरफ से सवाल जरूर पूछे गए। बीजेपी नेता विश्वास सारंग कहते हैं कि जब असंतोष और अल्पमत होगा तो भय तो होगा ही, सरकार हम नहीं गिराने जा रहे हैं, ये सरकार अपने आप ही गिरेगी। बीजेपी ने तो कमलनाथ पर दबाव की राजनीति करने के आरोप लगा दिए। तो इस तरह सदन में सरकार के पास बहुमत से 5 अधिक विधायकों का समर्थन है। कमलनाथ सरकार को जो विधायक समर्थन दे रहे हैं उनमें से 6 कांग्रेस के नहीं हैं। इनमें एक निर्दलीय, एक बीएसपी, एक एसपी के विधायकों के समर्थन से मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार चल रही है। कमलनाथ की चिंता का कारण यही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। कर्नाटक का सियासी खेल अपने चरम पर है। बहुमत नहीं होने के बावजूद कांग्रेस और जेडीएस मैदान में डटी हुई है। संकेत इस फ्लोर टेस्ट को आगे तक खींचने की है, इसलिए कांग्रेस नेता सिद्धरमैया ने विधानसभा में बहुमत को टालने की बात कही। कांग्रेस और जेडीएस इस रणनीति के तहत काम कर रही है क्योंकि एक तरफ पार्टी व्हिप है तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट। इन दोनों के बीच फंसी कुमारस्वामी बहुमत साबित करे तो कैसे, क्योंकि 19 विधायक सदन में मौजूद नहीं है, मतदान हुआ तो हार पक्की है, इसलिए कोशिश बहुमत परीक्षण को टालने की है। इसी वजह से अब तक 2 बार सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। इस बीच में कुमारस्वामी ने अपना दूत मुंबई रवाना किया, जो बागी विधायकों से मिलकर आ गए। दिन भर कुमारस्वामी और उनके विधायक सदन के अंदर और बाहर सक्रिय रहे कि कैसे भी हो बागी विधायक सदन में लौट आए, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ तो कोशिश विश्वास मत को अगले किसी दिन तक टालने की होने लगी। कांग्रेस और जेडीएस की इस रणनीति को देखते हुए बीजेपी का एक प्रतिनिधि मंडल राज्यपाल बजू भाई वाला से मिलकर तुरंत मतदान करवाने की मांग की, लेकिन इससे स्पीकर केआर रमेश कुमार को कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने मुंबई में इलाज करा रहे श्रीमंत पाटिल के घर वालों से मिलकर हालात को जानने का आदेश दिया और कहा कि देखना होगा कि किन परिस्थितियों में वे मुंबई गए।
अगर विधायकों की सुरक्षा की बात है तो मुझे डीजीपी को आदेश देना होगा। स्पीकर के आर रमेश कुमार का संकेत साफ है कि उनका इरादा फिलहाल वोटिंग को टालने का है। लेकिन राज्यपाल वजूभाई वाला ने स्पीकर के आर रमेश कुमार को विश्वास मत पर आज ही वोटिंग कराने को कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। गोवा, कर्नाटक और अब गुजरात। कांग्रेस के विधायकों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। कांग्रेस के दो पूर्व विधायक अल्पेश ठाकुर और धवल सिंह झाला बीजेपी में शामिल हो गए। इन दोनों विधायकों ने राज्यसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के पक्ष में वोट डाला था और वोट डालने के तुरंत बाद कांग्रेस और विधायक पद से अपना इस्तीफा दे दिया था। तभी से ये माना जा रहा था कि ये दोनों नेता बीजेपी के साथ जाएंगे। अल्पेश गुजरात के पिछड़ा वर्ग से आते हैं और ठाकुर जाति पर उनकी अच्छी पकड़ भी है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद अल्पेश कांग्रेस से नाराज चल रहे थे। गुजरात विधानसभा के चुनाव के दौरान कांग्रेस ने जिन तीन युवा नेताओं का सहारा लिया था, अल्पेश ठाकुर उनमें से एक हैं। चुनावों के बाद हार्दिक पटेल कांग्रेस में शामिल हो गए, लेकिन कांग्रेस में शामिल होने और विधायक बनने के बावजूद अल्पेश का कांग्रेस से किनारा कर लेना मायने रखता है, क्योंकि विधानसभा चुनावों के दौरान बीजेपी के खिलाफ इन्होंने जोरदार लड़ाई लड़ी थी। लेकिन वक्त बदला तो हालात बदल गए। पिछले दिनों ही अल्पेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की तारीफ भी की थी। माना यह जा रहा है कि इन दोनों नेताओं को बीजेपी कोई ना कोई पद देगी। ब्यूरो रिपोर्ट।